नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ प्रिया यूनुस। डालते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी एवं विंध्याचल मंडल का मंडलीय सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश शर्मा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ एवं नेता शिक्षक दल विधान परिषद ने कहा कि यह सम्मेलन जन जागरण अभियान के तहत ही विभिन्न मंडलों में हो रहे हैं, जिसके तहत आज वाराणसी में सम्पन्न हो रहा है। जन जागरण के आशय के तहत हमारा दायित्व राष्ट्र निर्माण है। हम इन विभिन्न समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यदि जन जागरण द्वारा समाधान नहीं हुआ तो सिर्फ आंदोलन रास्ता अख्तियार करेंगे। सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षक शोषण के शिकार है। शोषित शिक्षक अपना सर्वोत्तम बच्चों को नहीं दे सकता। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। वहीं 1 अप्रैल 2005 के बाद शिक्षकों को पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि नई पेंशन स्कीम किसी भी दृष्टि से पेंशन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में पेंशन को शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अधिकार माना है। सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कार्यक्रम का शुभारम्भ, झंडारोहण, दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, अतिथि का सम्मान से प्रारम्भ हुआ। वाराणसी से कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।